इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस और माइनस चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं सिंपल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस पेयर को एक डायपोल बोलते हैं। ये पेयर एक डायपोल है, डायपोल डायपोल दो डायपोल है, ठीक। तो डायपोल क्या चीज है? पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस बहुत ही छोटा, एंगस्ट्रॉम में होता है, मीटर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया, जैसे मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है। नेक्स्ट है डायपोल का, एक डायपोल मोमेंट करके आप टर्म पढ़ते हो। डायपोल मोमेंट क्या चीज है? ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल निकालता है। इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। डायपोल स्ट्रॉन्ग है मतलब अंदर के चार्जेस भी स्ट्रॉन्ग है, क्यू और माइनस क्यू बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, राइट, क्लियर है। तो क्यू और माइनस क्यू बड़े होंगे, फील्ड भी बड़ा होगा, उसकी स्ट्रेंथ बड़ी होगी, ई भी बड़ा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा लगाएगा अपने आसपास। तो हम उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, एक टर्म है जिसको पी वेक्टर या म्यू वेक्टर जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में पी वेक्टर चलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पी वेक्टर स्ट्रेंथ बताता है आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल की। और इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो अंदर चार्ज भी बढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़े। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका या उसका फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड में पी क्या है, क्यू इंटू टू ए, टू ए का मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन डायपोल। कई लोग कहते हैं टू ए तो छोटा लग ही नहीं रहा शक्ल से, टू लगा हुआ है, भाई ए इज वेरी वेरी स्मॉल, टू ए इज स्टिल वेरी स्मॉल, तो टू के चक्कर में ना पड़े, टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर करते हैं डायपोल के। तो सेंटर में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 2a इज a एंड a, a लगाएंगे तो a बाय टू आपको कंफ्यूजन होगी फ्रैक्शन में, तो इसलिए 2a लिख देते हैं, ठीक है यहाँ तक। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कन्वेंशन है और ये ऐसा ही रहेगा। तो डायपोल मोमेंट p वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ तक। और यूनिट्स क्या है इसके, कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, लिखो पहला फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इज क्यू इंटू टू ए, पी वेक्टर इज क्यू इंटू टू ए। फॉर्मूला रजिस्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 से ऊपर फॉर्मूले जाएंगे, मैं बता रहा हूं, 5 किताबें प्लस टू की मैंने देनी है ऐसी, जो भी दूंगा बुकलेट्स आपको, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे जिस दिन आपका कंपटीशन या फाइनल पेपर होगा। अब तो बोर्ड का पेपर भी ऑब्जेक्टिव 50%, तो आपको फॉर्मूला ज़्यादा रिवाइज करने पड़ेंगे एंड में, तो ये रजिस्टर बहुत काम आएगा, ठीक, अर्ली शॉर्ट रिविजन हो जाती है ना, सुबह उठ के फटाफट रजिस्टर देख लिया, तो बहुत मोटी किताबें कर नहीं पाओगे रिवाइज, तो इंपॉर्टेंट है ठीक तरह बनाना, सीरियस बनाना और नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है डायपोल फील्ड क्या होता है, डायपोल फील्ड है, आप एक डायपोल लें क्यू एंड माइनस क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल के चार्जेस लगाएंगे उसको डायपोल फील्ड बोलते हैं, बस सिंपल ये डेफिनेशन है, ये नहीं आती पेपर में, बट डायपोल फील्ड का मतलब डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायपोल फील्ड।